पुरानी रंजिश के चलते मानीपुरा में घर के बाहर तीन लोगों ने पति पत्नी और बेटे पर बोला लाठी से हमला। कोलारस के मानीपुरा में पुरानी रंजिश के चलते तीन लोगों ने पति पत्नी और बेटे पर लाठी से हमला बोल दिया। आज पीड़ित ने एसपी से कार्रवाई की मांग को लेकर आवेदन सौंपा है। जानकारी के अनुसार मोतीलाल जाटव पुत्र मथुरा जाटव निवासी गमानीपुरा थाना कोलारस ने बताया कि समय रात 8 बजे मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी मानीपुरा के गोपी प्रजापति, अमरलाल प्रजापति और राजू कुशवाहा तीनों आए और पुरानी रंजिश के चलते मुझे गंदी गंदी जाति सूचक गालियां देने लगे। जब गालियां देने से मना किया तो अमरलाल प्रजापति ने एक लाठी मारी जो सिर में लगी, एक लाठी राजू कुशवाहा ने मारी जो मेरे कान में लगी, एक लाठी गोपी प्रजापति ने मारी जो मेरे पीठ में लगी। मारपीट देकर मेरा लड़का मनीष जाटव और मेरी पत्नी पूनम जाटव आई तो मेरे लड़के मनीष को अमरलाल प्रजापति ने एक लाठी मारी एवं राजू कुशवाहा ने मेरे लड़के मनीष को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद गोपी प्रजापति ने मेरी पत्नी पूनम को एक लाठी मारी। इसके बाद गोपी प्रजापति, अमरलाल प्रजापति और राजू कुशवाहा तीनों जाते जाते कह रहे थे कि रिपोर्ट करने पर मुझे व घर वालों को कुल्हाड़ी से काट दूंगा। एसपी को आवेदन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। आपका कहाँ से आए हो आप? मानीपुरा एस पी ऑफिस पे आए हो, क्या समस्या लेके आए हो? झगड़े हो गया था रात में 8:30 बजे, सब्जी लेके जा रहे थे और पीछे से सरिया और लाठी से मारपीट करी खिलाड़ी। किसने मारपीट की? अमनलाल खड़ा वो गोपी और क्या नाम राजू। कितने लोगों की मारपीट की? तीनों, पहले मेरी करी थी, मेरे में खिलाड़ी देर पड़ गई, मैं बेहोश हो गया, बच्चा बचाने गया। क्या नाम है आपके लड़के का? मनीष। और इनका आपकी पत्नी का? तो तीनों की मारपीट की है। वो कितने लोग थे? ये तो पूरा परिवार था। कितने लोग थे? फिर भी 8-10 लोग थे। अच्छा, 10-11 लोग थे। तो थाने रिपोर्ट करने नहीं गए थे क्या? तो फिर क्या हुआ? हमारा कोई नया नहीं हुआ था, वो सुबह भी गए, वो मारने की धमकी दे रहे हैं सुबह कि अगर तुम रिपोर्ट वापस नहीं लेते कुल्हाड़ी से काटेंगे और रास्ता बंद कर देंगे। अच्छा, तुमने रिपोर्ट कर दी तो अब वो धमकी दे रहा है तुम्हें। अब क्या चाहते हो आप? यहाँ चाहते हैं तो खुले घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि मार डालेंगे तुमको, हमें तारे लग रहे हैं, हम बस बच रहे हैं। अच्छा,